इस वीडियो में कुछ ऐसे बेहतरीन ड्रामास के बारे में जानेंगे जिन्हें आप चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकते। रोमांटिक और कॉमेडी एक ऐसा जॉनरा है जिसे हर टाइप की ऑडियंस पसंद करती है, और वैसे तो आपको पता ही होगा कि रोमांटिक कॉमेडी टर्किश ड्रामास ऑलरेडी बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 20 बेस्ट रोमांटिक कॉमेडी टर्किश ड्रामास ऑफ ऑल टाइम के बारे में। वैसे सभी ड्रामास हिंदी और उर्दू में अवेलेबल हैं, तो कौन से हैं ये ड्रामास और आप इन ड्रामास को कहां से देख सकते हैं, ये सब जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेलिके जो एक जर्नलिस्ट की जॉब करती है, उसकी लाइफ बहुत झूठों से भरी हुई है। वो अपनी फैमिली से ये झूठ कहती है कि वो एक डॉक्टर से एंगेज्ड है और वो एक रिच लाइफ जी रही है, पर एक दिन उसके पेरेंट्स जर्मनी से इस्तांबुल आ जाते हैं। तो आगे क्या मलिके के झूठ सामने आ जाएंगे या मलिके इस झूठ को छुपाने के लिए कुछ और झूठ बोलेगी, ये जानने के लिए देखिए परफेक्ट ग्रूम यूट्यूब पर। उसकी आंटी के छोड़ देने के बाद वैकू को पता चलता है अपने पिता देमिर के बारे में, पर क्या ये गैर जिम्मेदार देमिर अपनी बेटी को एक्सेप्ट कर पाएगा और आगे क्या होगा जब देमिर को पता चलेगा उसकी बेटी वैकू की बीमारी के बारे में, ये सब जानने के लिए देखिए माई लिटिल गर्ल एमएक्स प्लेयर पर। एक वेडिंग प्लानर लैला को एक दिन सार्प और मेलिसा की वेडिंग ऑर्गेनाइज करनी पड़ती है, पर यहाँ लैला को दिक्कत होती है सार्प से, क्योंकि 5 साल पहले सार्प ने लैला को शादी के दिन ही छोड़ दिया था, वो भी वजह बताए बिना। और अब 5 साल बाद क्या होगा जब ये दोनों आमने सामने होंगे, ये जानने के लिए देखिए गुड डे बैड डे यूट्यूब पर। यहाँ अली और सनम बात बात पर झगड़ा करने लगते हैं, इससे इनके बेटे मेहमत चांद को बहुत परेशानी होती है, पर साथ ही मेहमत चांद भी अपने पेरेंट्स को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ता, और उसकी शरारतों की वजह से क्या हंगामे होते हैं ये जानने के लिए देखिए छोटे उस्ताद यूट्यूब पर। एक घर को दो अलग लोगों से ले चुके देमिर और सेलिन को आगे ना चाहते हुए भी एक ही घर में रहना पड़ता है, और शुरुआत में इन दोनों की बिल्कुल नहीं बनती। और आगे सेलिन को एक बहुत बड़ा शौक लगता है जब उसे पता चलता है कि देमिर उसकी कंपनी का नया बॉस है। तो आगे क्या होगा जानने के लिए देखिए एवरीवेयर आई गो यूट्यूब पर। इस कहानी में आप देखेंगे नाजनी और ओजान को। ओजान को अपनी गलती की वजह से उसका पिता उसे अपनी बहन के पास एक गांव में भेज देता है, और इस गांव में ओजान की मुलाकात नाजलिन से होती है। यहाँ ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, पर एक दिन ओजान नाजलिन को छोड़कर शहर वापस आ जाता है, और आगे नाजलिन को पता चलता है कि ओजान उसे टाइम पास कर रहा था। तो क्या करेगी नाजलिन, ये जानने के लिए देखिए ये बेहतरीन ड्रामा यूट्यूब पर। ये कहानी वैकू की है जो एक फैशन डिजाइनर बनना चाहती है, और वो उसके बचपन के दोस्त मेथे को बहुत ज्यादा चाहती है, पर वो अपने दिल की बात मेथे को कभी बता नहीं पाई। आगे एक पार्टी में उसे पता चलता है कि मेथे सैमा को पसंद करता है जो उसकी फ्रेंड है। आगे इस बात से वैकू बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, और आगे इसी पार्टी में उसकी मुलाकात अयाज से होती है, और अयाज मेथे का बिजनेस पार्टनर है जो वैकू को पसंद करने लगता है। पर आगे क्या होगा जानने के लिए देखिए ये कैसा इश्क है यूट्यूब पर। ये कहानी एस्ली और बुराक की है जो दो अलग फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, और पहली ही मुलाकात में इन दोनों का झगड़ा हो जाता है, जिसके बाद ये दोनों प्रे करते हैं कि ये दोबारा ना मिले, पर डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर होता है। आगे एस्ली अपने दोस्त के साथ बोधरूम आती है जॉब के लिए, आगे उसे एक 5-स्टार होटल में जॉब भी मिल जाता है, पर आगे क्या होगा जब उसे पता चलेगा कि ये होटल बुराक का है, ये जानने के लिए देखिए स्ट्रॉबेरी स्मेल यूट्यूब पर। इस कहानी में आप देखेंगे पेलिन को जो प्यार करती है टोलगा से, पर शादी वाले दिन टोलगा उसे छोड़ देता है, जिसके पेलिन बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, पर आगे उसे पता चलता है कि ये बैड लक की वजह से हो रहा है, क्योंकि उसने कॉलेज के टाइम पर एक लड़के का दिल दुखाया था, और अगर वो उस लड़के से माफी मांग लेती है तो उसका बैड लक खत्म हो जाएगा, तो इसलिए वो आगे सिनान से मिलने जाती है। पर आगे क्या होगा जानने के लिए देखिए एक हसीन इंतकाम यूट्यूब पर। ये कहानी जीवान और शिमाल की है जो एक दूसरे से बिल्कुल अनजान है। एक दिन उनके पार्टनर्स उन दोनों को धोखा दे देते हैं, और ये दोनों जब गुस्से में कहीं जा रहे होते हैं तो इनका एक्सीडेंट हो जाता है। पर आगे क्या होगा जब इन दोनों की फैमिलीज को एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, आगे क्या होगा जानने के लिए देखिए एक्सीडेंटल लव यूट्यूब पर। तो आप जानते हैं टॉप 10 ड्रामास के बारे में। एक एक्सीडेंट से शुरू हुई ये कहानी बरिश और असली की जिंदगी बदल देती है। एक तरफ बरिश इस एक्सीडेंट को छुपाने की कोशिश करता है, तो दूसरी तरफ असली उस आदमी की तलाश में होती है जिसने उसकी भतीजी का एक्सीडेंट किया है। तो क्या होगा जब ये दोनों आमने सामने होंगे, ये जानने के लिए देखिए फायरफ्लाई यूट्यूब पर। एक डॉक्टर सिनान जो अपनी लाइफ में बहुत खुश होता है, पर आगे उसके लाइफ में एंट्री होती है निशान की, जो एक आफत की तरह पहले ही दिन उसकी सुबह बर्बाद कर देती है। पर उसके बाद सिनान को एक बहुत बड़ा शॉक लगता है जब उसे पता चलता है कि निशान उसकी असिस्टेंट बनके उसी के साथ ही जॉब करेगी। तो आगे निशान क्या हंगामे करेगी, ये जानने के लिए देखिए इमरजेंसी लव यूट्यूब पर। अपने 5 सिबलिंग्स को संभालने के साथ फिलिस जॉब भी करती है, इसी बीच उसकी मुलाकात होती है बरिश से, और आगे वो हर मुमकिन कोशिश करता है फिलिस को पाने के लिए। पर आगे क्या फिलिस बरिश को अपना पाएगी, साथ ही क्या वो उसके सिबलिंग्स का भी ख्याल रख पाएगी या नहीं, ये सब जानने के लिए देखिए आर स्टोरी एमएक्स प्लेयर या यूट्यूब पर।
इस कहानी में आप देखेंगे आयशा और करीम को। यहाँ आयशा एक लड़के को चाहती है, मगर ये बात जब उसके भाइयों को पता चलती है तो वो जबरदस्ती आयशा की शादी करीम से करा देते हैं। वैसे करीम एक बिजनेसमैन का बेटा है पर वो एक प्लेबॉय है, और इस शादी से आयशा बिल्कुल खुश नहीं होती। तो आगे क्या करेगी आयशा, ये जानने के लिए देखिए तेरा मेरा प्यार यूट्यूब पर। ये कहानी हयात और मुराद की है। मुराद एक टेक्सटाइल कंपनी का ओनर है और हयात जॉब की तलाश में होती है, और आगे वो झूठ बोल के मुराद की कंपनी में जॉब करने लगती है। पर आगे क्या होगा जब मुराद को हयात की झूठ के बारे में पता चलेगा, ये जानने के लिए देखिए ये पॉपुलर ड्रामा प्यार लफ्जों में कहां यूट्यूब पर। इल्माज फैमिली अपने घर में पेंगेस्ट रखने के लिए एक इश्तेहार देते हैं। इस इश्तेहार को देखकर आतिश और यास्मीन इस घर को लेने का प्लान करते हैं, पर आगे इनको पता चलता है कि इल्माज फैमिली की एक कंडीशन है कि वो सिर्फ घर मैरिड कपल को ही देंगे, जिसके बाद आतिश और यास्मीन झूठी शादी का नाटक करके इस घर में रहने लगते हैं। पर इससे जो आगे हंगामे होने वाले हैं ये सभी के बारे में जानने के लिए देखिए लव इधर उधर यूट्यूब पर। फरीद और नाजलीन जो एक दूसरे से बिल्कुल जुदा हैं, एक तरफ नाजलीन गैस्ट्रोनॉमी की स्टडी कर रही है और वो पार्ट टाइम जॉब की तलाश में होती है, वहीं दूसरी तरफ फरीद एक बिजनेसमैन है और उसे अपने लिए कुक की जरूरत होती है। और आगे क्या होगा जानने के लिए देखिए फुल मून यूट्यूब पर। अब जानते हैं टॉप 3 ड्रामास के बारे में। इस कहानी में आप देखेंगे ऐदा को जो अपनी एजुकेशन को कंप्लीट नहीं कर पाई और वो बहुत ज्यादा गुस्सा होती है सरकन बुलत से, जिसकी वजह से ये सब हुआ। पर आगे ऐदा सरकन को सबक सिखाने का प्लान बनाती है। तो आगे क्या होगा, क्या कभी ऐदा अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर पाएगी, और क्या होगा जब ये दोनों आमने सामने होंगे, ये जानने के लिए देखिए लव इज इन द एयर एमएक्स प्लेयर या YouTube पर। सेनेम की माँ उसे शादी या जॉब से किसी एक को चुनने का मौका देती है। तो आगे सेनेम जॉब को चुन के अपनी बहन के साथ एक एडवर्टाइजमेंट एजेंसी में ज्वाइन होती है। यहाँ उसकी मुलाकात होती है इस एडवर्टाइजमेंट एजेंसी के मालिक जान से, और यहीं से जान और सेनेम की लाइफ एक इंटरेस्टिंग टर्न लेती है। तो क्या होगा आगे जानने के लिए देखिए डे ड्रीमर एमएक्स प्लेयर पर। एक वेट्रेस को जॉब करने वाली डेफने को अपने भाई को बचाने के लिए पैसों की जरूरत होती है, और आगे उसे एक डील का मौका मिलता है जिसमें उसे पैसों के बदले एक बिजनेसमैन उमेर से प्यार का नाटक करना होगा और शादी करके 6 महीने के बाद छोड़ देना होगा। तो आगे क्या करेगी डेफने जानने के लिए देखिए लव फॉर रेंट यूट्यूब पर। आयशा गुल जो एक राइटर बनना चाहती है, एक दिन उसे बहुत बड़ा शॉक लगता है जब उसे पता चलता है कि उसके दो दोस्तों ने उसका घर धोखे से बेच दिया है और इस घर को एक एक्टर जॉन टेकिन खरीदता है। पर आगे क्या होगा जब आयशा गुल को उसी के घर में नौकरों की तरह रहना पड़ता है, ये सब जानने के लिए देखिए मैं आयशा गुल। ईशो के सारे एपिसोड्स डेली मोशन ऐप पर अवेलेबल हैं। तो ये थे वो बेहतरीन रोमांटिक कॉमेडी ड्रामास जिन्हें आप हिंदी या उर्दू में देख सकते हैं। इनमें से आपका फेवरेट ड्रामा कौन सा है उसे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।